खबर आपको बताते हैं। सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने अपने पिता सोनेलाल पटेल का जन्म दिवस मनाने के लिए लखनऊ में हॉल नहीं मिलने पर मोर्चा खोल दिया है। उनका आरोप है कि उनके पिता सोनेलाल पटेल की जयंती पर आज आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए लखनऊ में हॉल नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि पल्लवी के पिता सोनेलाल पटेल अपना दल के संस्थापक थे और उनके देहांत के बाद पार्टी दो धड़ों में बढ़ चुकी है। इधर अपना दल एस ने पल्लवी से आज जयंती पर राजनीति न करने की बात कही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल ने कहा, हम लोगों ने कार्यक्रम के लिए पहले ही अनुमति ले रखी है, लेकिन विपक्ष के इशारे पर समाजवादी विधायक पल्लवी पटेल साजिश के तहत विवाद पैदा कर रही हैं। तो सोने लाल पटेल की जयंती है आज और इसी पर दोनों बेटियों के बीच जंग छिड़ गई है। कौन क्या कह रहा है, कौन किस पर आरोप लगा रहा है, यह हम आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अपना दल कमेरावादी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है और उधर अपना दल एस की तरफ से पल्लवी पटेल पर आरोप लगाया जा रहा है कि साजिश कर रही है पल्लवी पटेल, सपा के इशारे पर काम कर रही है। यह आरोप अपना दल एस की तरफ से पल्लवी पटेल पर लगाया जा रहा है। 18 जून को ही बुक करा दिया गया था हॉल, इस बात की जानकारी भी दी जा रही है साथ ही अनुप्रिया पटेल की तरफ से। इंदिरा गांधी प्रशाल में अनुप्रिया जी का भी कार्यक्रम है, आपका भी कार्यक्रम है, तो आपका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया, उनका कार्यक्रम यथावत रखा गया है, इसको लेकर आपने कोई जो है पूछा, क्योंकि एलडीए के अधीन आता है वो? देखिए, मैंने यही पूछा कि जब वहाँ तीन हॉल हैं, तीनों की एंट्री गेट अलग है, इसका मतलब एक समय पे वहाँ पर तीन कार्यक्रम हो सकते हैं, तो मेरे कार्यक्रम को रद्द करने का आधार क्या है? तो मुझे जो जवाब मिलता है दो टू, वो जवाब मुझे आला अफसरों से मिलता है, नीचे SI लेवल से लेकर के ऊपर तक, कि ऊपर से प्रेशर है। तो ऊपर से प्रेशर किसका है, कौन मंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है जो ऐसे आदेश कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? वो कह रही है कि मैंने उप मुख्यमंत्री को हराया, सही बात है, हराया, लेकिन उनके हारने का कारण उनकी भ्रष्ट नीतियां और उनका व्यवहार भी रहा है। सोचा है वो कार्यक्रम हम किसी भी कीमत पे करेंगे, और मैं ये आह्वान करती हूँ अपने लोगों का कि आपकी गोलियां, अगर पुलिस मेरे ऊपर गोलियां भी चलाएगी तो भी मैं अपने महापुरुष को याद करने के लिए आगे बढ़ूंगी, पीछे कदम नहीं रखूंगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पर चूंकि कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित था अनुप्रिया जी का, इस वजह से जो है आपका कैंसिल किया गया, आपको परमिशन दी गई थी, क्योंकि अभी आप कह रही हैं कि वहाँ परमिशन कैंसिल कर दी गई? देखिए, पहले हमें दूसरे हॉल में परमिशन दी गई थी, लास्ट मोमेंट पे उसको कैंसिल की गई। अब हमारे पास मजबूरी बचती है, हम इस ये जो IGT है इसके कैंपस में आए जहाँ हॉल खाली हैं, उसमें कोई बुकिंग नहीं है, और फिर हमको परमिशन नहीं दी जा रही। मैं आधार जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि ये पक्षपात और ये अन्याय हमारे साथ क्यों हो रहा है। विपक्ष के इशारे पर समाजवादी पार्टी की सम्मानित विधायिका श्रीमती पल्लवी पटेल जी द्वारा उसी कैंपस में जयंती मनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में विवाद उत्पन्न हो जाए। अतः मैं आदरणीय माता श्री कृष्णा पटेल जी से अनुरोध करता हूं कि माननीय विधायिका पल्लवी पटेल जी के साजिश से खुद को अलग करते हुए अपना दल कमेरावादी के समर्थकों के साथ लखनऊ के किसी अन्य स्थान पर जयंती मनाई जाए। और इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी मयूर शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा मयूर का रुक कर हैं। मयूर, सोनेलाल पटेल की जयंती है आज और दोनों बेटियों के बीच जंग छिड़ती हुई दिख रही है हॉल को लेकर। सोनेलाल जयंती अपना दल के संस्थापक हैं और आज उनकी जो जयंती है उस पर दोनों बेटियां आमने सामने आ गई हैं, अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल, में इस बात को लेकर जंग है कि सोनेलाल पटेल की जयंती को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कौन मनाएगा। सवाल यहाँ पे ये है कि पल्लवी पटेल ये आरोप लगा रही है कि इंदिरा गांधी जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है उसका जुपिटर हॉल, जहाँ पर अनुप्रिया पटेल यानी कि अपना दल एस सोनेलाल जयंती की जो है वहाँ पर मनाने वाला है, वहाँ पर तीन हॉल जो और हैं, तीन रास्ते और हैं, उनको परमिशन पल्लवी पटेल को पहले मिली थी वहाँ पे करने की, लेकिन उनका कहना है कि शासन के इशारों पर उनकी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी गई है। वहीं अनुप्रिया पटेल की तरफ से जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनका साफ तौर पे कहना है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्योंकि विपक्ष है और उनके इशारों पर एक मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो वहां पर पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है, तो उनको वहीं पर उसी प्रमाइसेस में सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है, कहीं और जाके जयंती सेलिब्रेट करें। लेकिन पल्लवी पटेल कह रही है जब उसको परमिशन पहले मिल गई थी दूसरे हॉल में, तो आखिरकार वहां पर उनको परमिशन क्यों नहीं मिल रही है, तो अब देखना ये होगा। और साफ तौर पर पल्लवी ये बात कह रही है कि चाहे जो हो जाए, और कल रात को वो पुलिस कमिश्नर के पास भी मिलने गई थी,
और इस बात की शिकायत थी कि उनकी परमिशन क्यों कैंसिल कर दी गई, तो उनको जवाब मिला कि ऊपर से प्रेशर है, ऐसा वो आरोप लगा रही। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात ये होगी कि आज क्या होता है, क्योंकि वो बिल्कुल मुखर है इस बात को लेकर, साफ तौर पर कह रही चाहे कुछ हो जाए, चाहे जितना लड़ाई झगड़ा करना पड़ जाए, वो अपने पिताजी की जयंती उसी प्रमाइसेस में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में वो जरूर मनाएंगी। तो एक बजे से कार्यक्रम प्रस्तावित है, अब देखना होगा कि दोनों पार्टी के कार्यकर्ता जब सामने होंगे या फिर क्या ये मामला सुलझ पाता है सुबह से पहले, या फिर अब देखना होगा कि ये विवाद कितना ज्यादा पड़ता है। ठीक है मयूर, बहुत